हेलो एवरीवन माय नेम इज चरण आई एम फाइनली स्टूडेंट ऑफ कबार्तनो बल स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन रशिया आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ब्लॉगर्स और एजेंट्स एजेंट्स या कंसल्टेंट सबसे इम्पोटेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है और बच्चे भी पूछते हैं कि भैया आप ब्लॉगर हो क्या या ब्लॉगर तो नहीं हो वैसे सभी को पता मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ बट बच्चे पूछते भैया क्या आप एजेंट हो तो इस क्वेश्चन को आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन पे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ब्लॉगर्स से रिलेटेड और एजेंट से रिलेटेड मैं खुद भी कंफ्यूज रहता था कि ब्लॉगर्स क्या करते हैं एजेंट्स क्या करते हैं जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम इतने ब्लॉगर्स नहीं थे मैंने टू थाउजेंड ट्वेंटी से, में एडमिशन लिया था और उस टाइम मेरे जो एजेंट था उसने मेरे को बोला कि आप फर्स्ट ईयर में ही जा रहे हो फर्स्ट ईयर के बजाय मेरे को पथवाक में एडमिशन करवा दिया था पथवाक आई मीन जो रसियम तो में पथवाक को लैंग्वेज कोर्स बोलते हैं तो लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन कराया था तो उससे मेरा एक साल बेस्ड हुआ था ये एजेंट्स का धंधा होता है जो एजेंट्स बच्चों को बिना बताए अगर आपको एक यूनिवर्सिटी चाहिए तो वो बिना इन्फॉर्म किए आपको दूसरे कोर्स में एडमिशन करा देते हैं ये सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है उससे अलग एजेंट्स का जो सबसे गंदा लफड़ा होता है वो ये होता है कि कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल किसी का कोई पता ही नहीं चलता है आप किसी भी अपने आस पड़ोस की यूनिव ऑफिस में जाइए जहाँ कंसल्टेंट ने ऑफिस खोल रखी आप उनसे पूछिए कि हमको जस्ट सपोज करके चलो समारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या सपोज करके चलो हमको बस किस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो लोग बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल हम एडमिशन करा देंगे हम पूरे छः साल की गारंटी लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम आगे चल के उस एजेंट पे क्यों भरोसा करें क्योंकि एजेंट तो इंडिया में ही होता है वो क्या करता है जैसे आप उनके पास इंक्वायरी के लिए जाते हो तुरंत अपना फोन उठाता है और गूगल पे सर्च करता है कि हाँ भाई कौन कंसल्टेंट कहाँ क्या काम करता है किस कौन कंसल्टेंट किस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है जस्ट सपोज कि वो बस्कर में काम कर रहा है कोई तो वो उसको ढूंढेगा फिर उससे बोलेगा मेरे पास एक लिंक है या फिर मेरे पास एक स्टूडेंट की इंक्वायरी है आप मुझे बताइए कितना पैकेज है क्या है सारी चीजें तो इन लास्ट आपका जो एडमिशन होगा वो भी उसी यूनिवर्सिटी में जो ऑफिशियल या फिर जो काम करता है उसी के पास जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इससे अलग एजेंट्स का मैंने आपको बता दिया कि एजेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने किसी भी नज़दीकी एजेंट के पास जाइए वो भी आपसे यही बोलेगा कि हाँ मैं एडमिशन करा दूँगा ठीक है और सबसे ज़्यादा लफड़ा इनका ये होता है कि इनका कोई गारंटी नहीं होती है सर्विसेस की ये एक बार इंडिया में चार्ज ले, ले थे। करो आपका में ये पांच ये, जो एजेंट मांगेगा वो एजेंट उसमें से अपना एक से डेढ़ लाख रुपए अपने पॉकेट में कमीशन रख लेता है बाकी पैसा जो आके फॉरवर्ड कर देता है प्रो, प्रोसेस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एजेंट या कॉन्ट्रेक्टर को क्यों चुनते हो ठीक है चुनते हो हाँ, कुछ कुछ बहुत रेयर कंसल्टेंसीज होती है बहुत रेयर एजेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स ही कंसल्टेंसी रन करते हैं बहुत होते हैं बहुत रेयर होते जो अच्छा अच्छी सर्विस देते हैं तो मैं कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज को जानता हूँ बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ वो बिल्कुल टेन आउट ऑफ टेन सर्विस दे रहे हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उससे अलग जो मेन चीज़ है हम बात करेंगे ब्लॉगर से रिलेटेड ब्लॉगर्स क्या करते हैं भाई ब्लॉगर्स अभी के टाइम में आप एम बी बी सर्च करो गूगल पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी ठीक है मोस्टली रसिया में जो बच्चा आ रहा है उनको हजारों वीडियोज अभी के टाइम में मिल मिल जा रही है तो ब्लॉगर से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ लेकिन एक वीडियो में शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैंने अभी देखू एमबीबीएस से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया हजारों वीडियो मिल जाती हैं लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है अभी जो एक कुछ ब्लॉगर्स जो सारे एकजुट मिल के एक ही कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे हैं क्या होता है कि कोई आप देखना कुछ ब्लॉगर्स को वो सिर्फ दो या तीन यूनिवर्सिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर रसिया में उनका मेन प्रोपेगेंडा ही ये चल रहा है कि आप लोग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को प्रमोट करिए पर स्टूडेंट हम आपको पाँच सौ डॉलर या सात सौ डॉलर कमीशन दे, दे देंगे उन लोगों का ये चल रहा है कि आपको डेली क्वेश्चनिंग के लिए फोन कर मतलब वो यूट्यूब चैनल लाइव जाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं उसमें ये होता है कि आप लोगों को वो डिमोटिवेट करते हैं मतलब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बुरा बोलेंगे और आप लोगों को उस चीज़ पे बिलीव हो जाता है एक बार में कि हाँ यार अगर ये भैया बोल रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी बहुत बुरी होगी आप लोगों ने कभी सोचा कि उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 600 बच्चे पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी की वो बुराई कर रहे हैं उसमें कई ऑलरेडी हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं और वो खुद ही ये क्यों नहीं बोल रहे कि आप एब्रॉड में मत आइए या इंडिया में अपनी सीट लीजिए नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप फलानी यूनिवर्सिटी में जाइए और मैं नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटीज को तो बोलिए ऐसा हो जाएगा कि हाँ मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बट मैं एक, आपको जनरली चीज बोल रहा हूँ आप फ्यूचर डॉक्टर्स हो ठीक है आप डॉक्टर बनने जा रहे हो आपको खुद को स्टेप चूज करना है कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन आपको अच्छे से गाइड कर सकता है सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में गाइडेंस के लिए ही कंसल्टेंट चाहिए या एक अच्छा वो होता है ना एक अच्छा बंदा चाहिए जो जनून आपका डॉक्यूमेंट करा सके जो आपकी प्रोसेस में हेल्प कर सके ठीक है लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी लोग कोई भी बंदा आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज की बुराई करके जहाँ पे अभी उन किसी नई कंसल्टेंसी का नया कॉन्ट्रैक्ट बना और उस यूनिवर्सिटी को वो लोग प्रमोट करें और बोले नहीं वो उस यूनिवर्सिटी से अच्छी फलानी यूनिवर्सिटी आप वहाँ पे चले जाइए तो आप लोग आंख बंद मंद करेंगे अरे नहीं भैया उस भैया ने तो बोला था फलानी यूनिवर्सिटी में चले जाओ और वहाँ पे आप चले भी गए और वहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली तो उसके लिए वो ब्लॉगर वो यूट्यूबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ जो बंदा वहाँ पे नहीं पढ़ रहा है ना और वो बंदा आपको उस दूस फला मतलब अलग से यूनिवर्सिटी का प्रमोशन कर रहा है तो वो बंदा आपकी मदद करने के लिए वहां पे नहीं मिलेगा जैसे अभी कवार दिनों में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ और आने वाले टाइम में भी हूँ मेरी डिग्री कम्प्लीट करने के बाद भी मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं यहाँ पे हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेकिन आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो या फिर कोई बंदा आपको घर बैठे बैठे यूट्यूब लाइव पे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को और एक बंदा नहीं कई सारे लोग साथ में मिलके के किसी किसी यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर रहे हैं और जो अलग से यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है अच्छे रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है उनको बुरा बोल रहे हैं ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है किसके बातों में आना है किस बातों में नहीं आना है आपको अभी के टाइम में सोशल मीडिया है जब हमने एडमिशन लिया था तब सोशल मीडिया इतना नहीं था एक्टिव नहीं था तो हम लोग ये चीज़ें सर्च नहीं कर पाए लेकिन अभी आप लोग ये चीज़ें सर्च कर सकते हो मैंने भी एक ऑनेस्टी के साथ बहुत सारे बच्चों का प्रोसेस कराया एक एक बच्चा आज अच्छे से पढ़ रहा है और एक एक बच्चा आज रिस्पेक्ट भी करता है कि हाँ भैया हमारा काम अच्छे से हुआ टाइम से हुआ सारी चीजें और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके साथ कौन कब तक खड़ा है ठीक है तो अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो ठीक है इससे अलग मैं एक दो चीजें कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो पासपोर्ट बनवा लीजिए क्योंकि आने वाले एक महीने बाद ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपका पासपोर्ट मस्ट है ए प्रोसेस के लिए अगर अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लीजिए मैं नंबर दे देता हूँ अपना आप नंबर लिंक में नंबर होगा मेरा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए अगर आपने अभी तक कबाड़ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है सीट के लिए तो कबार दिनों के लिए अभी सीट रजिस्ट्रेशन चल रहा है बाद में मत बोलना कि भैया हमको कवाड़ दिनों नहीं मिली किसी वजह से ठीक है अगर सीट फुल होगी तो आपको कबार दिनों यूनिवर्सिटी में मे बी नाइनटी नाइन परसेंट चांस है कि आपको सीट नहीं मिलेगी ठीक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं और सीट कुल दो सौ सत्तर रहने वाली है और हजारों बच्चे अप्लाई करेंगे कबाड़ दिनों के लिए तो आप कितनी जल्दी कितना एक्टिव होते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फ्यूचर डॉक्टर्स मिलते हैं बाय बाय